सभी को नमस्कार। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं सोनी भगत जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं गुरु माँ के टोटके। आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मैं आज आपको अपनी वीडियो के जरिए बताऊंगी कि यदि आप 16 सोमवार के व्रत रख रहे हो लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर कहते हैं 16 सोमवार का व्रत मन वांछित वर पाने के लिए ही होता है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए शिव जी भगवान के 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। व्रत से संबंधित उपाय, विधि और कब ये व्रत शुरू करना है आपको, मैं सब बताऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। बीच में यदि आप मेरी वीडियो छोड़ देंगे तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा, पूरा रास्ता आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको ये व्रत कब से शुरू करना चाहिए। कोई भी व्रत अगर आप अमावस्या के बाद शुरू करेंगे तो वे ज़्यादा सफल होता है, शुभ होता है। यानी कि अमावस्या के बाद जो भी सोमवार पड़े आप उससे ये व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत वाले दिन नहा धोकर पवित्र मन से शिवजी भगवान माँ गौरी का ध्यान कीजिए। शिव मंदिर जाइए और आधी लीटर दूध अपने साथ लेकर जाइए, और साथ में लेके जानी है आपको 5 बर्फी। जी हाँ, सफ़ेद रंग वाली बर्फी लेके जानी है। शिवजी भगवान की शिवलिंग के पास बैठकर आपको माँ अपने शिव भगवान से, माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है, आपकी जो भी मनोकामना है। उसके बाद दूध के कुछ छींटे शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और थोड़ी बर्फी चढ़ानी है। मन में हर हर महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और उसके बाद आपको वह बर्फी और दूध बाहर किसी व्यक्ति को भी, जो भूखा हो, ज़रूरतमंद हो, उसको खिला देना है। यदि कोई व्यक्ति ना मिले आपको, तो उसको आप किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसको भी आप खिला सकते हैं। पूजा कीजिए घर पे आकर। शाम को जब आप व्रत खोलेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें से एक व्यक्ति का खाना आपको अलग बनाना है, एक्स्ट्रा बनाना है, और उस खाने को थाली में लगाकर पूरी श्रद्धा भाव से शिव जी भगवान का स्मरण करते हुए वह खाना किसी गरीब व्यक्ति को आपको खिलाना है। कोई गरीब आपको ना मिले या आप जाने में असमर्थ हों, किसी कारणवश ना जा पा रहे हों, तो उस खाने को पूरी बनाएं, रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसके साथ खीर ज़रूर बनाइए मीठा, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर आपको रखते आने हैं पीपल के नीचे। आप ये व्रत दो विधि से कर सकते हैं, एक नमकीन और एक मीठा। जैसे आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपके शरीर की ताकत की बात है, उसी हिसाब से व्रत कीजिए। लेकिन मीठा व्रत जो होता है वो ज़्यादा लाभदायक होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में है। और सोमवार के दिन आपको 5 तरह के फल लेने हैं और उसको अपने ऊपर से उतारना है, अपने मन में मन ही मन प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना हो, और वह फल आप किसी भी आवारा सांड को खिलाने हैं। 16 सोमवार आपको ये उपाय करना है। और अगर यदि आप शादीशुदा हो तो ये व्रत कर रहे हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी ये व्रत कर सकता है। और अगर आप शादीशुदा व्रत कर रहे हो तो आपको व्रत के साथ साथ 5 अमावस्या गंगा जी नहानी भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी, और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी, ऐसा मेरा मानना है। व्रत के साथ साथ आप कम से कम 5 अमावस्या गंगा स्नान कीजिए, दान दीजिए, और अपने पितरों की मुक्ति के लिए शिवजी भगवान से प्रार्थना करिए, पूजा करवाइए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? किसी व्रत विशेष के बारे में, पूजा विशेष के बारे में आप जानना चाहते हो, विधि जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। हमारे यहाँ श्री बालाजी महाराज, महाकाली और पीर बाबा का दरबार लगाया जाता है, रोज़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
दरबार में आने से पहले आप मुझे कीजिए टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46। और जब आपके 16 सोमवार पूरे हो जाएं, तब आपको किसी भी शिव भगवान मंदिर में जाकर आपको उद्यापन करना है, जिसमें आप खीर बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं और आपको वह गरीबों को बांटनी है या जानवरों को भी आप खिला सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मेरे दोस्तों, मेरा एक नया व्लॉग चैनल भी है, द कश्यप फैमिली व्लॉग्स, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसे भी कीजिए। और हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए आपको करना पड़ेगा कश्यप फैमिली व्लॉग सब्सक्राइब। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी व्रत उपवास के बारे में आप जानना चाहते हो, किसी विधि विधान से पूजा किसी देवता या देवी की जानना चाहते हो, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी पे वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।